made him stop! फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि केटी नाम की लड़की खुले खेत में शौच कर रही होती है। उसे उसके दोस्त बुलाते हैं और वो फिर उनके पास चली जाती है। केटी और उसके 6 दोस्त उसे बियर पीने और ड्रग्स लेने बुला रही होती है। केटी शुरू में मना करती है पर दोस्तों के मनाने पर वो मान जाती है। सभी दोस्त एक एक करके ड्रग्स की गोली खा लेते और चीयर्स करके बियर पी लेते। ड्रग्स लेने के बाद सभी दोस्त अलग बर्ताव करना शुरू कर देते। जोई नाम की लड़की एक पेड़ से गले मिल रही होती, दूसरी तरफ वेंस नाम का लड़का अपने आंखों पे शर्ट बांधकर जंगल में भाग रहा होता है। अगले सीन में एबी नाम की औरत जो कि केटी की माँ होती है किचन में कुकीज बना रही होती है और तभी केटी और स्लोन घर आती है। दोनों एक एक कुकीज उठाकर ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद स्लोन अगले महीने न्यूयॉर्क जाने की बात करती है। तभी एबी कमरे में आती है और केटी और स्लोन को बताती है कि वो दोनों केटी के अंकल के घर जाने वाले और फिर वहीं से दूसरे दिन फार्म पर। उसके बाद एबी रूम से चली जाती है। अगले सीन में केटी के अंकल उन्हें लेने केटी के घर के बाहर आते। वो दोनों अपने बैग्स लेकर अंकल के कार में बैठती है। कार में स्लोन केटी के अंकल जेम से बात करती है और उसे अपने जॉब के बारे में पूछती है और गर्लफ्रेंड के बारे में। उसका जवाब देते हुए जेम्स कहते हैं कि वो पुलिस में है पर फिलहाल छुट्टी पर है और उसकी गर्लफ्रेंड जैमा घर पर इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद तीनों जेम्स के घर पहुंच जाते और जैमा से मिलते हैं। जेम्स केटी और स्लोन को उसका कमरा दिखाता है। इसके बाद केटी और स्लोन बेड पर बैठे बातें कर रही होती है। सुबह जेम्स केटी और स्लोन का सामान लेकर गाड़ी में रख देता है और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने चला जाता है। केटी और स्लोन जेम्स को जाने के लिए कहता है और वापस जाने से पहले जेम्स केटी से कहता है कि हर दिन जब मैसेज करोगी तो एक कोड वर्ड लिखना एप्पल और हर दिन अलग वर्ड भेजना। फिर जेम्स वापस घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद केटी और स्लोन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और स्लोन टॉयलेट चली जाती है और केटी उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी दो लड़के आते और उसे बात करना शुरू कर देती। उसी वक्त स्लोन बाहर आती है और उन लड़कों से फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो चारों जन बैठकर बातें करते। केटी और स्लोन उन लड़कों को अपना फर्जी नाम बताते। केटी का नाम रिपली, स्लोन का हैदर बताती है। उन लड़कों का नाम जेड और लुकस होता है। जेड उनको कहता है कि वो खुद उन दोनों को फार्म तक छोड़ सकता है पर केटी मना कर देती है। फिर जेड और लुकस वहां से चले जाते पर स्लोन केटी को मना लेती है और वो दोनों जेड और लुकस के साथ उनके पिकअप ट्रक पे बैठती है। कुछ देर के सफर के बाद केटी जेड से कहती है कि पाम का साइनबोर्ड पीछे रह गया है, उन्हें मुड़ना चाहिए। पर जेड कुछ नहीं कहता और गाड़ी चलाते रहता है। केटी और स्लोन थोड़ा डरने लगते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। कुछ देर बाद जेड उन्हें खुद के घर लेकर आता है। घर के अंदर से जेड की माँ बाहर आती है और उन दोनों को अंदर आने को कहती है। अंदर आते दीवार पर फेरिया का कटा सर देखकर केटी डर जाती है। फिर वो दोनों टेबल पर बैठकर चाय पीते। केटी के फोन पर जेम्स का मैसेज आता है हालचाल पूछने के लिए। केटी सब ठीक है ऐसा लिखती है लेकिन कोड वर्ड एप्पल नहीं लिखती जो बताता है कि वो खतरे में है। जेड और लुकस अंदर आते और सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देते। तभी स्लोन को चक्कर आने लगते और उसे पता चलता है कि उसके चाय में नशीली दवाई मिलाई थी। वो केटी को भागने के लिए कहती है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते। जेड और लुकस उनका पीछा करते और उनको पकड़कर वापस अपने घर लेकर आते हैं। अगले सीन में हम जंगल को देखते और जंगल में 2 बड़े कंटेनर्स रखे हुए। उन कंटेनर्स के अंदर केटी और स्लोन को बिना कपड़ों के चेन से बांध रखा है। दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते हुए कंटेनर से बाहर निकलते। दोनों ही बहुत डरे हुए हालत में है। दोनों जोरों से मदद के लिए चिल्लाने लगते। तभी जेड आता है और चिल्लाते हुए बताता है उन्हें इन घने जंगलों में कोई मदद करने नहीं आएगा और ये बोल के वहां से चला जाता है। फिर एक अनजान आदमी जिसका नाम बोरिस है वो कंटेनर के पास आता है जहां पर केटी और स्लोन है। बोरिस अपने गन से जेड के छाती पर हल्के से मारता है और डांटता है और दोनों लड़कियों को बाहर बुलाता है। वो आदमी केटी का फोन देखकर कहता है कि जेम्स का मैसेज आया हुआ है और उसे रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अंत में एप्पल लिखता है। वो केटी से कहता है कि तुम्हारा नाम तो रिप्ली पर ये फोन तो किसी कैटी का है। वो उसे धमकाता है कि अगर वो
उसे और झूठ बोलेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। केटी उसे अपना असली नाम बता देती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जैमा किचन में खाना बना रही होती है। वो केटी का मैसेज पढ़कर फोन साइड में रख देती है। फिर हम लोकस को देखते हैं जो दोनों लड़कियों को सावर सेट करके देता है। बाहर एक एंड्रूस नाम का आदमी गन लिए खड़ा होता है। केटी और स्लोन उसे मदद मांगती है पर वो आदमी भी जेडल लोकस से मिला होता है। एंड्रूस सबके जाने के बाद केटी से जबरदस्ती सेक्स करता है और रेप करता है। इसके बाद जेम्स वापस अपने घर पर आता है और फोन के मैसेजेस देखता है। तब उसे पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसने केटी से हर दिन अलग कोडवर्ड यूज करने को कहा था और उसने दूसरे दिन भी वही कोडवर्ड यूज किया था, एप्पल। अब एक और आदमी उस लड़की के पास जाता है और स्लोन को कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करता है। और दूसरी तरफ जेम्स बहुत टेंशन में होता है और पूछताछ शुरू करता है और उसे पता चलता है वो दोनों फार्म पर पहुंचे ही नहीं। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर फार्म के लिए निकल जाता है। जंगल में अचानक से एक सायरन बजने लगता है। आवाज आती जेक और लुकस दोनों लड़कियों का फेस कपड़े से छुपा लेता है। इसके बाद सुअर का मास्क पहना आदमी उसके पास आने लगता है और स्लोन को कंटेनर के अंदर ले जाकर कंटेनर बंद कर देता है। दूसरे दिन जब केटी स्लोन को देखने जाती है तब स्लोन ने सुअर का मास्क पहना हुआ होता है और वो रो रही होती है। जेम्स भी फार्म के नजदीक पहुंच चुका है और वो पुलिस स्टेशन में सेरिफ से मिलने जाता है। वहां का सेरिफ कोई और नहीं बल्कि एंड्रयूज होता है। वो जेम्स को कहते हैं कि लड़कियों को वो ढूंढ लेगा और जेम्स को घर भेज देता है। जंगल में बोरिस फिर से आता है और उसे पता चल गया है कि लड़कियों को ढूंढने के लिए कोई आया है, इसलिए वो जेट से उन लड़कियों को मारने के लिए कहता है। केटी चुप के उनकी बातें सुन रही होती है और बोरिस के आते ही कंटेनर के अंदर चली जाती है। बोरिस भी उसके साथ कंटेनर के अंदर चला जाता है। अगले सीन में एंड्रयूज अपने गाड़ी में किसी से फोन पर उस ट्रक को लड़कियों के साथ चलाने की बात कर रहा होता है। जैसे ही वो कंटेनर के पास पहुंचता है लड़कियां उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और जैसे ही उसका ध्यान कहीं और होता है लड़कियां उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते। पर आधे रास्ते में ही वो मुड़कर किसी टूल शॉप पर रोकती है और हथियार लेती ताकि उनके किडनैपर्स को मार सके। दूसरी तरफ जेम्स उस ट्रक का पता करने के लिए एक इंश्योरेंस ऑफिस में जाता है जहां पे उसे बोरिस के बारे में पता चलता है। बोरिस के घर आने से पहले ही केटी और स्लोन उसके घर पहुंच जाते और वो आते ही उस पर हमला करते। वो दोनों बोरिस पर टॉर्चर करके उससे पैसा निकलवाते। वो मास्क वाले इंसान के बारे में भी पूछती है पर बोरिस उनको कुछ नहीं बताता। गुस्से में वो बोरिस के पिछवाड़े पर मारती है। बोरिस जोर से चिल्लाता है। उसी समय जेम्स जो उसके घर के बाहर होता है वो उसकी आवाज सुन लेता है। जेम्स जब तक अंदर पहुंचता है तब तक बोरिस मर चुका था और दोनों लड़कियां भी पिकअप ट्रक लेकर वहां से निकल चुकी थी। इसके बाद जेम्स बोरिस की बॉडी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर वो केटी के फोन पर कॉल करता है और केटी का फोन एंड्रयूज के पास होता है जो उसी के जेब से बजता है। जेम्स को पता चलता है कि एंड्रयूज भी इसमें शामिल है। एंड्रयूज जेम्स पर गन तानता है और उसे बंदी बना लेता है और वो जेम्स को अपने घर पे बांध कर रखता है। तभी और दो नई लड़कियों को लेके आता है। उसी समय केटी और स्लोन वहां पर आते और बेसबॉल बैट से उसके सर पे मारती है। फिर एंड्रयूज को कुर्सी से बांध कर उसके साथ एक गेम खेलती है। दोनों मिलकर एक एक करके शॉट्स लेते पर उसे एक भी गोली नहीं लगती। एक आखिरी बार केटी गन चलाती है और एंड्रयूज को मार देती है। केटी और स्लोन वहां से भी भाग जाती है और नई दो लड़कियां जिसे एंड्रयूज ने रेप करने के लिए लाया था वो जेम्स को बचा लेती है। केटी और स्लोन फिर जेट के घर में जाते और उसकी माँ के ड्रिंक में बेहोशी का दबा मिलाते। फिर स्लोन जेट को उसके माँ के सामने बहुत बेरहमी से मारती है। उन दोनों ने लुकस को भी पकड़ कर रखा होता है। जेट को मारने के बाद वो दोनों लुकस की माँ को उसके पास लेकर जाते और लुकस को अपने माँ को बैट से मारने के लिए कहती है लेकिन लुकस उनकी बात नहीं सुनता तो वो लुकस को भी मार देती। आखिर में केटी लुकस की माँ को मशीन से मार देती है। इसी के साथ केटी और स्लोन अपने किडनैपर्स को मारकर अपना बदला पूरा करती है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।